वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा इंडियन एलम और उसका रिपोर्टिंग का जो वीडियो था वो ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया। उसका रूट स्ट्रक्चर देखना हो तो मैं लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं आप लास्ट में। तो वीडियो अंत तक देखना होता है तो आपको उसके जुड़े वीडियोस मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं न्यू रिपोर्टिंग के बाद न्यू ग्रोथ, उसको कहीं कहीं मैंने पिंचिंग किया था, देखिए आप देख सकते हैं। तो अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ टॉप ब्रांचों में पहले ही स्टार्ट हो चुका है, उसको तो हमें शायद पिंचिंग भी करना पड़ेगा। तो अब प्लांट को स्टिम्यूलेट करने के लिए ये देखिए कहीं कहीं नए पत्ते हैं, तो ये वक्त है कि आप प्लांट को डिफोलिएशन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं कर रहा हूँ इस प्लांट का डिफोलिएशन, जिसमें क्या करना होता है दोस्तों, केवल प्लांट के लीफ हटाने होते हैं, उसमें पूरे लीफ हटा देते हैं दोस्तों। कभी कभी बनियन वगैरह में आप लोग पार्शियली डिफोलिएशन भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो प्लांट का लीफ होता है उसको आधा काटना होता है इस तरह से, उसे पार्शियल डिफोलिएशन भी कहते हैं। और एक डिफोलिएशन होता है अगर आपके प्लांट के कुछ नीचे वाले शूट्स है इस तरह के, इसमें अगर सन रेस नहीं आती तो इसमें डेवलपमेंट रुक जाता है, तो प्लांट के कुछ टॉप पार्ट में से पुराने पत्ते हटा देने होते हैं, जिससे नीचे वाली ब्रांचें ग्रो करना शुरू कर दे। इसमें बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें भी नज़र आएगी। एक जूनिपर को जैसे स्टाइल करते हैं उसी तरह से मैंने इस प्लांट को बहुत सारा ट्विस्ट देके शेपिंग देने की कोशिश की है। तो देखते हैं डिफोलिएशन के बाद उसका स्ट्रक्चर। दोस्तों डिफोलिएशन हो चुका है, देखिए ये प्लांट, उसके कैनोपी देखिए, कुछ नया ग्रोथ मिला है बाद में। अब ये प्लांट जैसे ही हमने इसको डिफोलिएशन किया है ये स्टिम्यूलेट हो जाएगा, एक हफ्ते में नया ग्रोथ दिखाएगा। और इस तरह से हम बार बार नहीं कर सकते प्लांट का डिफोलिएशन। हमने उसका डिफोलिएशन किया था जब हमने रिपोर्टिंग किया था, उसके बाद अभी किया, यानी ये इनफ है। अब हम इस प्लांट को ऐसे ही ग्रो करने देंगे और विंटर में ये चला जाएगा डोरमेट में, अपने आप ही सब पत्ते गिरा देगा और फिर फरवरी के बाद ये ग्रोथ दिखाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।